हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल कैट कर्सर में। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑटो कैट की कुछ कमांड्स के बारे में और उनका यूज कैसे होता है हमारी ड्राफ्टिंग में। तो अभी आप मेरे पीसी की स्क्रीन में जो ये इंटरफेस खुला है, ये ऑटो कैट का, ये इस टाइम पे जो यूज कर रहा हूँ मैं वो ऑटो कैट का मॉडल स्पेस है। ठीक है, अभी कोई भी ड्रॉइंग बनाने से पहले सबसे पहले उसको यूनिट सेट करने पड़ते हैं। तो मैं सेट करना हूँ, सेट करने के लिए सबसे पहले मैं यूएन एंटर कर रहा हूँ। यूएन एंटर करने के बाद मुझे जो डायमेंशन स्टाइल यहाँ पे चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए, डेसिमल चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो मैं यहाँ से ले लूँगा। मैं डेसिमल यूज़ करता हूँ, कर लूँगा। उसके बाद मुझे एक्यूरेसी प्रिसीजन कितना चाहिए वो मैं यहाँ से ले लूँगा। मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको यहाँ से। अगर डेसिमल में इसमें मीटर्स में कर रहा हूँ या मिलीमीटर्स में कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सेट कर लूँगा। मैं इसको मीटर्स में ले लेता हूँ, बंद कर दूंगा। ओके, ठीक है। उसके बाद मुझे डायमेंशन स्टाइल भी करना पड़ेगा एडिट। तो डायमेंशन स्टाइल के लिए मैं डी एंटर करूंगा। डी एंटर करने के बाद यहाँ पर पैलेट खुलेगा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का, उसको मैं मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं प्राइमरी यूनिट सेट करूंगा। यहाँ पर डेसिमल की पहले भी यहाँ यूज़ किया तो डेसिमल ही यूज़ करूँगा। प्रिसीजन मैं यही रख रहा हूँ जो वहाँ पर रखा था। उसके बाद तो मैं टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। टेक्स्ट में सबसे पहले हाइट इसकी जो भी मुझे रखनी है यहाँ से सेट कर सकता हूँ। 0.20 कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद तो यहाँ पे 0.20 यूज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे सिंबल एंड एरोस में जाना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी मुझे एरो हेड चाहिए इसमें डायमेंशन स्टाइल में वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं ही यूज़ कर रहा हूँ तो एरो साइज यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद लाइंस में ये वाले एक्सप्रेस में यहाँ पे हटा रहा हूँ। टेक्स्ट में यहाँ पे लाइन पे डायमेंशन लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ इसको ओके सेट करंट और क्लोज। ठीक है, सबसे पहले जो कमांड यूज होती है ऑटोकैड में, जो बेसिक कमांड है हमारी, वो है लाइन कमांड। लाइन कमांड में सबसे पहले जो उसका टाइप जो करते हैं लाइन कमांड के लिए, वो करते हैं एल। एल एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बताएगा लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। जो भी आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद जो आपको ये लाइन यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। जैसे कोई भी दो पॉइंट के बीच में से हम लाइन खींचते हैं, वैसे सेम टू सेम प्रोसीजर इसी में भी है कि एक पॉइंट स्पेसिफाई करो, उसके बाद दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करो। ठीक है जी, दोबारा से फिर से बता रहा हूँ आपको। एल एंटर, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट और देन सेकेंड पॉइंट, उसके बाद एस्केप। ठीक है, तो ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, इस तरह से कि हम कोई भी लाइन लाइन जो है हम यूज़ कर सकते हैं लाइन कमांड से। ठीक है, तो जैसे अभी लाइन से आप चाहे कुछ भी बना लो। मान लो यहाँ से मैं क्लिक किया, लाइन में ले रहा हूँ, यहाँ से मुझे कोई रेक्टेंगल बनाना है या आपको कोई स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे लूँगा डायमेंशन के लिए, तो जैसे मान लो मैं लाइन कमांड ली, उसके बाद मैं यहाँ पे बन यूनिट ले रहा हूँ 1 मीटर का। यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद नीचे को मैं मान लो ले रहा हूँ 1 मीटर सेम वैसे ही। उसके बाद जिस तरफ आप इस कर्सर को जो आपका प्रोसेसर जिस तरफ लेके जाओगे उसी तरफ आपकी जो है लाइन लगी। जैसे आप स्केल और आप पेंसिल से लाइन लगाते हो वैसे सेम टू सेम, वैसे जिस डायरेक्शन में आप लाइन खींचोगे उसी डायरेक्शन में ही लाइन लगेगी। ठीक है, तो ये अभी 1 मीटर में फिर से कर रहा हूँ इसको और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये हमारी ये स्केयर बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई और भी ले सकते हो, कोई भी शेप बना सकते हो लाइन कमांड से। जैसे मैं यहाँ पे 1 मीटर ले रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ। मान लो ये ऑर्थो का ऑब्जेक्ट स्नैप को, सॉरी ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं, ये ऑर्थो है हमारा ऑर्थो मोड को। और तो मेरे को जैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो इस तरीके से ये ट्रायंगल भी बन गया हमारा। जो भी हम
कोई भी चीज बना रहे हैं लाइन कमांड से वो हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे भी किसी भी डायरेक्शन में आप स्टाइल लगा सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऑर्थो आप ऑन करते हो तो टू डायरेक्शन में आप सीधी लाइन लगेगी, जैसे यहाँ पे लग गई, जैसे इस साइड लग गई, जैसे ऊपर के लिए लग गई, नीचे के लिए लग गई। इसमें किसी एंगल के लिए एंगल में किसी में भी लाइन नहीं लगती है, ठीक है। तो उसको अगर आपने किसी एंगल पे ही लाइन लेनी है तो इसके लिए आपको ऑर्थो बंद होना चाहिए, आपको ओपन होना चाहिए, तभी आपकी एंगल पे लाइन लगी। जैसे मैंने आपने अभी ऑर्थो ऑफ कर दिया, अब मैं लाइन कमांड लेके यहाँ पे किसी भी एंगल पे लाइन ले सकता हूँ। जैसे ये देखो 360 डिग्री में कहीं पर भी एंगल पे लाइन यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। तो किसी भी एंगल पे मेरी लाइन लग रही है, ठीक है। तो ये था कुछ लाइन कमांड के बारे में। अब आपको बताऊंगा नेक्स्ट कमांड जो है हमारी रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड के लिए इसका जो शॉर्टकट है वो है REC। आपको REC रेक्टेंगल के लिए REC एंटर करना है। उसके बाद रेक्टेंगल करने के बाद जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे वैसे सेम टू सेम वैसे ही पॉइंट आई, जैसे नीचे आप देखोगे यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद जैसे आप दूसरा पॉइंट जो है यहाँ दूसरे पे बोलेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो जैसे भी आप अदर कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे इसका। ये तो आ गया आपका रेक्टेंगल का। अगर आप किसी स्पेसिफाई डायमेंशन का रेक्टेंगल बना रहे हो तो उसके लिए जो है वो भी वैसे ही रेक्टेंगल की कुछ सब कमांड्स हैं वो यूज होती है इसमें। अभी मैं आपको इसमें बारे में बताऊंगा। तो भाई वैसे ही वैसे कमांड लगाऊंगा मैं REC एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट और ये एट द रेट का बोल गया, सिंबल लगाया। उसके बाद आपको डायमेंशन स्पीड करनी है। डायमेंशन के लिए मान लो मैं एक मीटर बाई दो मीटर का रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो मान लो मैं 1 मीटर लिया यहाँ पे 1 मीटर। उसके बाद आपको कोमा का यूज करना है, कोमा यूज किया ये लॉक हो गया यहाँ पे। कोमा यूज करने के बाद जो सेकेंड डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे लूंगा 2 मीटर की, ठीक है। तो ये 2 मीटर का हमारा, 1 मीटर बाय 2 मीटर का हमारा डायमेंशन यहाँ से लूंगा मैं, तो मैं डायमेंशन यहाँ से लूंगा तो ये मुझे बनेगा 1 मीटर बाय 2 मीटर का रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो है रेक्टेंगल कमांड यूज इसको कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल कमांड से मान लो जैसे आप लाइन कमांड से पहले रेक्टेंगल बना रहे थे, तो अगर आपके पास इस कमांड का पता है रेक्टेंगल कमांड, तो आप बिना लाइन कमांड के भी इसको यूज कर सकते हो रेक्टेंगल कमांड को। फिर से दोबारा बता रहा हूँ आपको, REC एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको शिफ्ट प्लस @ का साइन लेके यहाँ पे आपको डायमेंशन फिर मान लो 4 मीटर पे 5 मीटर का लगा रहा हूँ मैं, या 5 मीटर पे 4 मीटर का लगा रहा हूँ। तो 5 लिखने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे कोमा और उसके बाद 4, उसके बाद एंटर, ठीक है। तो ये जो है हमारा 4 मीटर बाई 5 मीटर का जो भी है आपका यहाँ 5 मीटर बाई 4 मीटर का रेक्टेंगल यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब आपको रेक्टेंगल कमांड से जैसे भी आप कोई भी आपको स्क्वायर बनाना, स्क्वायर भी बना सकते हो। जैसे रेक्टेंगल कमांड मैंने वैसे ही ली, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद मैंने शिफ्ट प्लस @ और उसके बाद फिर 1, 1 एंटर, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया 1 मीटर बाई 1 मीटर का, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल कमांड से आप कोई भी जैसे ज्योमेट्री आप बनाते हो किसी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो रेक्टेंगल कमांड से, मतलब तो जो भी आपको रेक्टेंगल कमांड के थ्रू बनाना है वो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारी सर्कल की। सर्कल मोस्टली जो सर्कल होता ही है यूज रेक्टेंगल के साथ साथ, जो नेक्स्ट कमांड है वो सर्कल की है। सर्कल लाइन कमांड से आप सर्कल नहीं बना सकते, तो इसके लिए सर्कल की एक अलग सी कमांड होती है। इसको सर्कल कमांड लगाने के लिए आपको यूज करने के लिए आपको सॉरी सर्कल कमांड के लिए आपको यहाँ पे एंटर करना है और क्लिक करना है। सबसे पहले नीचे यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, या 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, टेंजेंट है, जो भी आप यूज कर सकते हो इसमें। इसमें जैसे 3P का 3 पॉइंट सर्कल, मतलब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करना है, तो वो जो सर्कल बनेगा वो 3 पॉइंट से होके ही बनेगा, ठीक है। 2 पॉइंट सर्कल में आपको क्या होगा, 2 पॉइंट लेके जो भी 2 पॉइंट आप स्पेसिफाई करोगे
उन्हीं के से होके ही सर्कल बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं नॉर्मल सर्कल है वो बता के बताता हूँ। तो सर्कल के लिए सेंटर हमें क्लिक करना है, सेंटर के लिए हमें क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इसकी डायमेंशन देनी है। यहाँ पे नीचे बोलेगा रेडियस ऑफ सर्कल, तो आपको रेडियस, अगर आपको डायमीटर देना है ये सर रेडियस देना है वो आपके ऊपर है। अगर आपने डायमीटर देना तो यहाँ पे डीप एंटर करेंगे, और अगर आपका रेडियस ही है पहले से सर्कल तो आप रेडियस भी दे सकते हो। अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लो ये मैं ऑर्थोन कर रहा हूँ, मान लो मुझे 1 मीटर का रेडियस का सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ 1 मीटर लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो एंटर करने के बाद जो मेरे जो सर्कल की जो डायमेंशन बनी है वो बनी है मेरी यहाँ पे 2 मीटर, क्योंकि हमारा रेडियस जो 1 मीटर था और जो 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 हमारा सर्कल बना, जो डायमीटर बना सर्कल का वो बना 2 मीटर का, ठीक है। इस तरीके मान लो आपको डायमीटर का ही चाहिए तो आपको फिर सर्कल लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बता क्या डायमीटर, तो डायमीटर के लिए आप डी एंटर करोगे। डी एंटर करने के बाद डायमीटर आपको कितना चाहिए, डायमीटर को मान लो आपको 2 मीटर का चाहिए, तो 2 मीटर यहाँ पे क्लिक करूंगा और सेम टू सेम वैसे ही सर्कल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा जो यहाँ पे पहले लगा हुआ था, ठीक है। जैसे मैं इसकी डायमेंशन लूंगा यहाँ से, तो ये भी 2 मीटर का सर्कल हमारा बन गया, ठीक है। सर्कल सर्कल का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सर्कल के जैसे आपको अगर मान लो यहाँ से कोई कलर चेंज करना है सर्कल का, तो आप कलर चेंज करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तो ये लेयर है, लेयर अगर आपने बनाई हुई है ऑलरेडी तब तो ठीक है। लेयर के बारे में आपको मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेयर कैसे यूज करनी है और कहाँ कहाँ यूज होती है, इसका फायदा क्या है लेयर बनाने का, वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो उससे पहले हम ये मान लो ये सर्कल है, मुझे इस सर्कल को अगर कलर चेंज करना है ब्लैक इस टाइम पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे कलर है, यहाँ पे जो हमारे प्राइमरी कलर जो है रेड येलो ग्रीन जो है, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदर कलर और भी चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कलर, यहाँ से आपको यहाँ पे इंडेक्स कलर खुलेगा, यहाँ पे प्रो कलर भी यहाँ से ले सकते हो, आप कलर बुक भी ले सकते हो, तो उसमें से आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे कोई और कलर, मान लो ये मुझे यहाँ पे ये कलर चाहिए मुझे 231 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे ओके किया, उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से मैं करूँगा तो ये सर्कल जो है हमारा उस कलर का हो गया, ठीक है। और मुझे मान लो ये वाला सर्कल जो है मुझे यहाँ पे येलो कलर का चाहिए, तो ये मैं येलो कर रहा हूँ। तो इस तरीके से येलो नहीं चाहिए मुझे, तो येलो फिर से चाहिए, रेड रेड चाहिए तो रेड कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरीके से हमारी जो है सर्कल हमारा इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कमांड है हमारी वो है आर्क की। आर्क कमांड, आप जैसे मान लो कहीं पे भी आपको कोई सेमी सर्कुलर चाहिए या कोई आर्क चाहिए जहाँ पे आर्क का ही काम है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो आर्क के लिए कमांड जो लगाएंगे वो हमारी है ARC आर्क, और एंटर करने के बाद सबसे पहले पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। स्टार्ट पॉइंट पूछेगा, तो यहाँ पे मैं मान लो स्टार्ट किया, उसके बाद पूछेगा ये स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क। सेकंड पॉइंट पूछेगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे जहाँ से भी हमें लेना है यहाँ पे, और तो क्लोज कर रहा हूँ मैं। उसके बाद क्लिक किया, उसके बाद पूछेगा ये स्पेसिफाई एंड पॉइंट, ये 3 पॉइंट आर्क की है, ठीक है। ये जो कमांड थी 3 पॉइंट, तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ये हमारा जो है वो आर्क यहाँ पे क्रिएट हो, ठीक है। इस तरीके से हम आर्क कमांड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मान लो यहाँ से मुझे कोई आर्क चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे आर्क बनेगी। मान लो यहाँ पे मुझे सर्कल चाहिए, तो यहाँ से मान लो सेंटर पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे डायमेंशन उतने लेनी, तो उस तरीके से मैं सर्कल यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो 2-3 कमांड्स का जो है मिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमें यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जो है आर्क कमांड में आपको यहाँ से सेंटर भी पिक कर सकते हो। सेंटर अगर आप सेंटर पिक करते हो तो सेंटर यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट पिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट पॉइंट कहाँ से भी है आपका, स्टार्ट पॉइंट जहाँ से भी होगा आपका, तो उस तरीके से आप इसको जितना आपको रखना है उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। वैसे सर्कल कमांड पर भी आपको बताता हूँ मैं। सर्कल कमांड मैंने यहाँ पे लगाई, क्लिक किया, या सर्कल कमांड मैंने यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पे पूछेगा 3 पॉइंट 2 पॉइंट। अगर मान लो 3 पॉइंट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट सर्कल सेकंड पॉइंट किया मैंने यहाँ पे क्लिक, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे, जैसे भी यहाँ थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उस तरीके से हमारा जो है सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा अगर सर्कल एक
से ले रहा हूँ, मैं इसे एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा उस सर्कल जो है उस तरीके से यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट मान लो यहाँ पे मुझे कोई भी लाइन के अंदर बनाना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लाइन ली, स्केप कर रहा हूँ, मैं लाइन कमांड यहाँ पे ली मैंने और यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, और ये मान लो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे सी एंटर करूंगा, 2 पॉइंट क्लिक करूंगा, या मुझे फर्स्ट यहाँ से और सेकंड जो पॉइंट है वो यहाँ से, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्कल लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी हमारी कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। नेक्स्ट जो कमांड्स हैं जैसे कॉपी हो गया, मूव हो गया, मिरर हो गया, स्केल हो गया, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा आपको लेयर्स के बारे में कि लेयर्स कैसे यूज होनी है, इनका फायदा क्या होता है, और ये इनको आप ऐड करके क्या क्या इसको ऑप्शन बाद में जो बेनिफिट्स होंगे क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन करें।